पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजे जाने के चलते एक इमिग्रेशन कंपनी की ओर से गोरवा इलाके के युवा के साथ 16.5 लाख की ठगाई की गई है, जिसके चलते वडोदरा पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर उस युवा की ओर से धोखाधड़ी के मामले में शिकायत की अर्जी दी गई है। वडोदरा शहर के गोरवा ITI रोड पर सोमेश हेड़ाव रहते हैं, जिन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अभ्यास किया और फिर आगे का अभ्यास जर्मनी में जाकर करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने गेंडा सर्कल निकट अप्रेंटिस ट्राइम इमिग्रेशन नाम की ऑफिस रखने वाले अनिल चंद्रकांत पारेख का संपर्क किया और फिर उनकी ओर से ये तय किया गया कि वो यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाएंगे, जिसके लिए अनिल पारेख की ओर से उनके पास से 16.5 लाख ये भी लिए गए। ऐसे आरोप लगाए गए हैं सोमेश हेड़ाव की ओर से। इसके अलावा उनकी ओर से धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। दरअसल पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर इस मामले को सोमेश हेड़ाव की ओर से प्रस्तावित किया गया है और साथ ही गोरवा पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है। पुलिस कमिश्नर साहब ने मड़वाया छे मारा असील जे छे सोमेश हेड़ाव एमनी साथे यूक्रेन जावा माटे एक एजेंट जे अनिल पारेखे एमने 18,50,000 रुपया तो एमनी पासे लीधेला छे अने भणतर माटे एमने यूक्रेन में मोकलवा माटेनी प्रोसिजर करवा माटे टोटल पैकेज आपेलू अने ए पैकेज आप्या छतां पण एमने छेतरपिंडी करेली छे ते आपणे एडमिशन करेलू नथी अने केटली पण वार कहेवा छतां पण त्यां यूक्रेन में रोकाई अने एमने बीजा एजेंट द्वारा बीजा पैसा पड़ावड़ाया छे अने त्यांथी एमनुं एडमिशन न थवाना कारणे एमने अहीं बरोडा परत आवुं पड्युं छे। ए समय दरमियान एमनी जे अभ्यास जे छे एमनी कारकिर्दी जोखममां मुकायेली छे अने आवाज एजेंटो वडोदरा शहेरमां केटला फरे छे अने आवा केटला एजेंटो साथे आ अनिल पारેખે છેતરપિંડી કરેલી છે બરોબર એ ધ્યાન પર લાવવા માટે અને ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદ આપેલી છે તે ફરિયાદમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રેસ ન થવાના કારણે આજે અમે પોલીસ કમિશનર સાહેબને એની રજૂઆત કરવા આવેલા છે। પોલીસ ભવન આવ્યો DCP સે મિલને કમિશનર ઓફ પોલીસ સે મિલને મેરા એક કમ્પ્લેન્ટ હૈ મેં સુમેશ હેડાવ મેં મેકેનિકલ ઇન્જિનિયર હું मेरी मुलाकात श्री अनिल पारेख से हुई थी जो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं। मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए पढ़ाई के लिए यूक्रेन मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए जिस सिलसिले में मेरी मुलाकात अनिल पारेख से हुई वो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं। यहाँ से ही हमारी जान पहचान हुई। इनका ऑफिस अटलांटिस केटन में है गेंडा सर्कल में और इनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा जर्मनी जाने का मास्टर्स का प्लान था पर जर्मनी का ना हो पा कर इन्होंने मुझे दूसरे कंट्री के लिए पहले पोलैंड का कहा फिर यूक्रेन का कहा। यूक्रेन फाइनल होने के बाद इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ऑफ़र लेटर कराने के बाद इन्होंने मुझसे वीज़ा और बाकी की प्रक्रिया कराने के लिए 10 लाख रुपये लिए और फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कुछ कंप्लीट नहीं किया और आखिरी मोमेंट पर सब टिकट वीज़ा सब होने के बाद मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाइए वहाँ जाके फ़ीस भरनी पड़ेगी और वहाँ जाके और इन्होंने मेरे से 3.5 लाख और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पे करने को कहा। वहाँ एक मोहम्मद अली से मिलवाया और उन कहा कि उनसे ही करवाना है और फिर वहाँ पे जाके इन्होंने मेरा एडमिशन भी नहीं कराया और पूरा वहाँ जाके मुझे पता चला कि कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये दूसरा कोर्स करना पड़ेगा आपको और ये इसके बाद आपका उसमें होएगा। ये सब उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा और अब ये मेरा पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस का भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है मेरी कंप्लेंट में, इसलिए मैं कमिश्नर से मिलने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले और मुझे मेरी पूरी राशि वापस मिले। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।